गाइस वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्निकल वॉरियर। सो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो फ्री फायर में टॉप 20 से पहले किल होने पर रैंक बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है। सो गाइस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और ध्यान से सुनना, जब भी आपको समझ आएगी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल की सेकेंड वीडियो। सो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो प्लीज़ गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आज जो टॉप 20 से पहले जो रैंक बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप खेलते हो तो फ्री फायर में मैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्लेयर उतरते हैं वो मैं आपको वो आपको मुझे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा प्लेयर कहाँ उतरते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे क्लॉक टावर हो गया, तो गाइस जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेयर उतरते हैं आपको वहाँ पर उतरना है। जैसे आप लैंड करते हो, उतरते ही जो कुछ मिलता है, जो भी चीज़ मिलती है उससे आप अगर जैसे किल करते हो और किल हो जाता है, जैसे आप जो भी मिलता है उससे किल करने रख जाओ, अगर प्लेयर मर जाता है, एनिमी मरता है, तो इस चीज़ का आपका रैंक प्लस होता है। तो गाइस मेरा भी हुआ है, ऐसा हुआ है कुछ बहुत बार हुआ है। जैसे आप उतरते ही कुछ भी मिले, जैसे कि फ्री फायर में पिस्टल होगी, G18 हो गई और M500 होगी, वो जो गन है जैसे उतरते ही आपको वो मिल गई, जैसे ही आपने लैंड किया वो गन मिल गई और आप सीधा उसी से किल करने लग जाओ। तो गाइस मैंने बोला कि जहाँ पर ज़्यादा प्लेयर उतरते हैं वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर होंगे, आपको वहीं उतरना है और जो भी गन मिले जितनी भी घटिया हो आपको वो लेनी है, उसी से किल करने लग जाओ। तो और जैसे अगर गाइस आपका रैंक घटने के और ज़्यादा चांस होते हैं, अगर आपको जितनी घटिया गन मिली है या जो भी गन मिली है आप और जहाँ पर ज़्यादा प्लेयर उतरे आप वहाँ पर उतरो, और जो भी एनिमी है सीधा अगर आपने उसको हेडशॉट भी दे दिया तो गाइस इस शुरुआत में तो इस चीज़ का ही आपको रैंक प्लस होगा, ज़रूर होगा। तो गाइस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ प्लेयर होते हैं जो छुपके खेलते हैं उनको रैंक घटने का डर होता है। सो गाइस ऐसे ना खेलें, प्रो बन के खेलें और ज़्यादा छुपके ना खेलें। अगर जितना छुपके खेलोगे उतना ही आपका रैंक घटेगा, बिना डर के खेलो। सो गाइस मैं यही बताने चाहता हूँ कि जितना आप प्रो बन के खेलोगे या जितना बिना डर के खेलोगे आपका उतना अच्छा से खेल पाओगे, और जितना ज़्यादा प्रो मूवमेंट करोगे उतना अच्छा है। तो गाइस और आपका रैंक बढ़ेगा टॉप 20 से पहले। मेरा भी बढ़ा है, बहुत बार बढ़ा है वैसे, और मेरा एक बार मैं आपको बता दूं और मेरा टॉप 20 से पहले रैंक घटा भी है। एक बार मैंने रैंक गेम खेला था और मैं फैक्ट्री पे उतरा था, लेकिन उस पर उसके छत पे कोई भी नहीं उतरा था। तो गाइस मैं टॉप 20 में आया तो मैं नीचे उतर के मैं किल हो गया। तो गाइस और मेरा रैंक घट गया, फिर मैं भी मेरा रैंक घटा तो मैं हैरान हो गया, मैं टॉप 20 के बाद मेरा रैंक कैसे घट गया। तो गाइस मुझे फिर पता चल गया खेलने पर ही डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप टॉप 20 में आ गए और आपका रैंक बढ़ जाएगा। तो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ, जितना अच्छा आप गेम प्ले करोगे, जितना अच्छा आपका गेम प्ले होगा उतना आपका रैंक बढ़ेगा सही। तो गाइस यही बताना चाहता हूँ कि आप बिना डर के खेलें और अपने खुला खेलें बिना डर के, आपका रैंक बढ़ेगा टॉप 20 से भी पहले। अगर आप जो मैंने ये टिप्स आपको दी है आप इसके अगर ऐसे खेलोगे तो आपका जरूर रैंक बढ़ेगा। सो गाइस अब एक और टिप्स है, जो प्लेयर अच्छे से नहीं खेल पाते हैं सोच रहे होंगे हम तो उतर के मार नहीं पाते, हम खुद ही किल हो जाते हैं। तो गाइस उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर में मैप छोटा है पर कुछ जगह हैं जो बहुत बेकार है, जहाँ पर कुछ होता भी नहीं है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मिलता आपको सर्वाइव करने के लिए, और वहाँ पर कोई ज़्यादा आता भी नहीं है, रेयर चांस है एक दो आ जाएँ। गाइस मैं नहीं बताऊँगा कि वो जगह कहाँ पर है, तो गाइस आप खुद ही ढूंढो। अगर मैं बताऊँगा तो जो अगर ज़्यादा ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा प्लेयर वहीं उतरेंगे, फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, तो आपका भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो गाइस आप खुद ही ढूंढो। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप वो सीक्रेट प्लेस सीक्रेट जगह खुद ही ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी जगह हैं, पर कुछ जगह हैं वो आप खुद ढूंढो और उसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। तो गाइस ताकि वहाँ पर ज़्यादा प्लेयर ना उतरे। सो गाइस मैंने भी खुद ढूंढी और मैंने रैंक बढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस आप भी खुद ढूंढो और आप ऐसे खेल सकते हो, और मैंने ऐसी जगह ढूंढी कि जो मैं टॉप 20 में आराम से आ जाता हूँ। तो गाइस आप भी ऐसी जगह ढूंढो, हैगी, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है कि हैगी, पर आप खुद ढूंढो, उसके बारे में सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। तो गाइस आज इस वीडियो में मैंने आपको दो बातें बताई हैं जो फ्री फायर अच्छे से खेल लेते हैं उनके लिए, कि और अच्छे से खेलें, आपकी गेम प्ले पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलते हो और उसी के गेम प्ले पे आपका रैंक बढ़ता है। और गाइस जो अच्छे से नहीं खेल पाते हैं वो किल हो जाते हैं। तो गाइस उनके लिए यही है कि खुद प्लेस ढूँढो और आप ऐसा प्लेस ढूँढो कि टॉप 20 में आप आराम से आ जाओ,
और एक एक आध तो किल आपको करना ही होगा, और जब भी आप अच्छे से रैंक बढ़ा पाओगे, मैंने भी रैंक बढ़ाया है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और आगे और वीडियो के लिए ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी चैनल से जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको सब पता चल जाएगी, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एक बात आपको और बता दूँ कि ये मेरा न्यू चैनल है, सो गाइस मैं वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं होगी लेकिन आपको समझ आ गई होगी, तो सो गाइस मैं वीडियो को ज़्यादा एडिट भी नहीं करता। तो गाइस इसलिए सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ गाइस शेयर करो। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।